डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी के साथ में बहुआयामी संबंध हरेक का हो या नहीं हो, मेरा है। एक हमारे बीच में विनोद प्रियता जो है वो उभयनिष्ठ है, और ये कई लोग हिंदी नहीं समझने वाले, कॉमन एलिमेंट जो है वो है ह्यूमर। और ह्यूमर के अलावा ये बहुत टैलेंटेड है, मल्टी डायमेंशनल। महत्वपूर्ण चित्र प्रदर्शनी कहा जाए उसको, या स्मृतियों, श्रद्धा और साथ साथ सृजनशीलता का एक ऐसा प्रवाह जिसमें समन्वय आभा प्रत्येक चित्र में ऐसे छलक रही है कि हर साधक के लिए वो एक आनंद का सेतु बन रही है। और ऐसी विलक्षण प्रदर्शनी के प्रेरणा को स्वीकार करने की पात्रता जिनमें रही वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे संवित साधक, मित्र, डॉक्टर और बहुत अच्छे गायक भी विवेक भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। मैं याद कर रहा हूँ कि बहुत बरस पहले की बात है, जोधपुर में मैं भी वहीं था आकाशवाणी में, और आपके घर पे सत्संग स्वामी जी पधारे थे, आपकी बिटिया छोटी सी थी और वो झूले में थी, और माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे भजन आपने गाया था, और स्वामी जी ने जो बिंब दिया था कि जब विवेक बच्ची को ये झूला झूलाते हुए माँ तू प्रेम सुधा बरसा दे गा रहा है, तो उससे मेरे अंदर ये आश्वस्ति है कि ये संवित प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। और जो स्वामी जी की आश्वस्ति थी वो आपके इन चित्रों में भी मैं बड़े भाव के साथ में देख रहा हूँ। तो विवेक जी बताएं, ये पूरा 48 चित्र हैं, शायद और भी कुछ बन गए होंगे या बनने वाले होंगे, और एक ही स्वामी जी अलग अलग भाव मुद्राएं, ये आपकी जो रचना यात्रा रही है उसके बारे में कुछ बताएं। स्वामी जी मेरे गुरु, मेरे मेंटर, और जो कुछ भी प्रतिभाएं अशोक जी ने मेरे बारे में वर्णित करी हैं वो उसमें मेरा कुछ भी नहीं, वो सब मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं थोड़ा थोड़ा, जब मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था तब मैं स्केचिंग करने लगा, और धीरे धीरे कुछ भाव भी आने लगे, तब सबसे पहले विचार आया कि मैं क्यों ना स्वामी जी की स्केच करूं। स्वामी जी को मैंने ये बताया तो उन्होंने सबसे पहले 7 साल पहले एक स्केच प्रदर्शनी जोधपुर में लगाई, और तब मैंने 3 महीने तक लगातार बैठ के स्केचेस बनाए थे, और इन स्केचेस में जो भाव हैं वो मेरे गुरुजी के मुखारविंद पे जो अलग अलग भाव आते थे वो सब मैंने कोशिश की उकेरने की। और चित्रकला प्रदर्शनी इस बार जो मैंने लगाई है इसमें 48 चित्र हैं, और धीरे धीरे और भी बन रहे हैं, पर मुझे आदेश हुआ कि आज एक विशिष्ट पर्व पर मैं ये चित्र प्रदर्शनी यहाँ लगाऊं, तो मैंने ये प्रयास किया है स्वामी जी के अलग अलग भावों को प्रदर्शित करने का। और ये चित्र बनाने का जो संतोष आपको रहा होगा, और जैसे अनुभूति के स्तर पर जब कोई एक चित्र पूरा हो जाता है तो क्या विशेष बात आपको लगी, और कोई ऐसा चित्र है जो विशेष रूप से किसी प्रसंग के कारण याद हो आपको? चित्रों को मैंने अलग अलग कालखंड में बनाया है, और कभी कभी तो एक पूरा महीना लग गया बनाने में, कभी कभी 5 दिन में ही बन गए, कुछ चित्रों को मैंने एक ही दिन में बना डाला। लेकिन एक चित्र है जो यहाँ प्रदर्शित नहीं किया, उसमें मैंने स्वामी जी के चेहरे पर जो कुछ फिजिकल डिफेक्ट्स थे वो भी बना दिए, तो स्वामी जी ने बड़े विनोद पूर्वक मुझसे कहा था कि अरे तू तो डॉक्टर है, कम से कम ये तू तो हटा देता। तो हाँ, वो याद है मुझे, और फिर जब मैंने हटा दिए तब स्वामी जी ने उसके ऊपर मुझे ऑटोग्राफ दिए थे, तो वो एक यादगार स्केच है मेरा। कोई और बात आप साधना की दृष्टि से, जो संवित साधना में कलात्मकता रहती है, तो चित्रकला और संगीत दोनों में से
अधिक आपको संतोष देने वाली कौन सी कला है? कोई अन्य बात जो, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आचार्य शंकर का भी चित्र है और स्वामी जी का जीवन पूरा आचार्य शंकर से प्रभावित, उनके वचनों में भी हम उनको देखते थे, उसके बारे में। मेरी चित्रकला या गायन कला दोनों को आधार दिया स्वामी जी ने। मैं बहुत प्रिमिटिव सिंगर था और बहुत प्रिमिटिव आर्टिस्ट था, तब स्वामी जी ने मुझे थामा और मुझसे ऐसे ऐसे कार्य कराए, ऐसे ऐसे गायन गवाए जो शुद्ध शास्त्रीय संगीत पर आधारित थे और मैं उनको गा पाया। और स्वामी जी अक्सर वो पूछ लिया करते थे कि ये कौन सी राग है और इस राग पर आधारित और कौन सा भजन आप डाल सकते हो। तो चूँकि मैं शास्त्रीय संगीत नहीं जानता, तब स्वामी जी ने कहते थे कि शास्त्रीय संगीत तो मैं भी नहीं जानता लेकिन मैं बहरा नहीं हूँ, तो वो कहते थे कि आप एकलव्य की तरह बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहें तो आपको कोई भी कला या सिद्धि आपके अंदर से ही प्राप्त हो जाती है, आपको बाहर सीखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारे शास्त्र हमारे अंदर हैं, सारी सिद्धियाँ हमारे अंदर हैं, सिर्फ उनको टटोल के हमें बाहर लाना होगा। और सब एक जैसे भगवान ने बनाए हैं, सबके अंदर वो सारी सिद्धियाँ हैं, हम किस सिद्धि को बाहर निकालें और उसमें निपुणता हासिल करें। तो मैं समझता हूँ कि संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे स्टेज प्लेज हो या और भी कोई आर्टिस्ट्री हो, वो सब एक जैसे हैं, जिनमें हमारा स्व का जो व्यक्तित्व है वो प्रकट होता है और हमें साधना में सहायता होती है। विवेक जी, आपको बहुत सारी बधाई देने के साथ बहुत आपका धन्यवाद करते करते एक लालच मन में आए, कोई दो पंक्तियाँ चार पंक्तियाँ किसी प्रिय भजन की आप अगर सुनाएं। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते।